हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आई एम सुदीप्ता हियर। आज मैं एक स्वीट बनाने जा रही हूँ जो है छाना मुड़की, जो बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स भी लगता है इसे बनाने में। और ये छाना मुड़की वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में बहुत ही फेमस है। तो चलिए बनाते हैं छाना मुड़की। तो छाना मुड़की बनाने के लिए हमें चाहिए छाना, जो 1 लीटर दूध का मैं छाना बना के रखी हूँ, और अच्छे से इसका पानी निकालना ज़रूरी है पूरा एकदम। इसे एक कपड़ा में देके मैं 1 to 2 आवर्स के लिए हैंग करके रखी थी ताकि इसका पानी पूरा अच्छे से निकल जाए। और साथ में लगेगा चीनी, ये 1.25 कप के करीब है, 2-3 कुटी हुई छोटी इलायची और थोड़ा सा सेमोलिना और सूजी। तो अभी मैं इस चना को एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसका पानी बहुत अच्छे से निकल चुका है, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब सेमोलिना और सूजी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हाथ अच्छे से धोना ज़रूरी है, मैं हाथ अच्छे से वॉश करके आई हूँ, अभी हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फाइव टू सिक्स मिनट्स इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूंगी मैं। ऐसे करके छाना को थोड़ा स्मूथ करना है। जैसे कि मैं इसमें सेमोलिना मिलाई हूँ तो ये मिक्सचर अभी रेडी है, तो सेमोलिना मिलाने के कारण मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ूंगी 7 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं इसमें से छाना मुड़की बनाऊंगी। 10 मिनट्स के बाद ये छाना को मैं और थोड़ा सा स्मूथ बना लूंगी, बस 1-2 मिनट्स के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और स्मूथ बना के इसको छोटा छोटा शेप डालूंगी। अभी छोटे छोटे पीसेस में काट करूंगी। ऐसे सारे छाना के पीसेस को अच्छा शेप दे दूंगी हाथ की मदद से। ये छाना के पीसेस को मैं अपने हिसाब से थोड़ा छोटा छोटा शेप दे चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा पानी देने वाली हूँ, उससे पहले दूंगी 1.25 कप के जैसा चीनी। वन प्लस पानी और ये 3 कुटी हुई इलायची। और अच्छे से इसको मिला के अभी बॉयल आने तक का वेट करूंगी ताकि चीनी भी घुल जाए और इसमें शुगर सिरप में थोड़ा बॉयल आ जाए। अभी इसमें बॉयल आ चुका है तो एक एक करके मैं ये छाना के पीसेस को डाल दूंगी।
और इसे ढक के अभी हाई फ्लेम में 5 to 7 मिनट्स के लिए पकने दूंगी। अभी ये चना के पीसेस फूल के डबल हो चुका है, इसे मैं अभी हल्के हाथ से पलट दूंगी एक एक करके और इसे अभी फ्लेम को, गैस के फ्लेम को लो करके 20 मिनट तक पकने दूंगी ये सुगर सिरप में। और बीच बीच में मैं चेक करती रहूंगी, अगर चाहिए और मतलब अगर सुगर सिरप गाढ़ा बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालूंगी। ये सुगर सिरप थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो मैं और थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसे एगेन होने दूंगी मैं। तो 20-25 मिनट के बाद ये हमारा सुगर सिरप पूरा एकदम गाढ़ा हो चुका है, इसको थोड़ा और पकाएंगे जब तक ये छाना पीसेस के साथ ये कोट ना हो जाए पूरा, और फिर इसको ठंडा करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये छाना मुर्गी अभी ठंडा हो चुका है, इसमें शुगर अच्छे से कोट हो गया है, पूरा शुगर का दाना दिख रहा है ऊपर से, तो अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये छाना मुर्गी बनके अभी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से घर पे बन गया, घर का बना हुआ छाना से। तो आप लोग भी इसे घर पे बनाइए और ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।